नवगछिया में सिटी स्टार इमरजेंसी हॉस्पिटल का स्वामी आगमानंद जी महाराज ने किया उद्घाटन। नवगछिया जीरो माइल के समीप स्टार इमरजेंसी हॉस्पिटल का उद्घाटन शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आगमानंद महाराज ने फीता काट कर किया। सर्वप्रथम उद्घाटन के पूर्व गुरुचरण पूजन का कार्य हुआ, जिसमें स्वामी आगमानंद जी महाराज के शिष्यों के द्वारा उनका चरण पूजन किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कर नर्सिंग होम का उद्घाटन किया। उद्घाटन के पश्चात उन्होंने आशीष वचन के साथ मार्गदर्शन भी किया। इस अवसर पर सिटी स्टार इमरजेंसी हॉस्पिटल के संचालक गौतम सिंह एवं बंटी सिंह ने बताया कि नवगछिया में सिटी स्टार इमरजेंसी हॉस्पिटल से क्षेत्रवासियों के लाभ होगा। गरीब परिवार के लिए विशेष सुविधा और आईसीयू वार्ड सहित मूलभूत समस्या के लिए 24 घंटे सेवा उपलब्ध होगी। अलग अलग समस्याओं के स्पेशलिस्ट चिकित्सक की सुविधा होगी। वही उद्घाटन के मौके पर बाल श्रमिक आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, नगर सभापति प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव, संचालक गौतम सिंह, बंटी सिंह, युवा राजद के पूर्व जिलाध्यक्ष कांतेश कुमार उर्फ टीनू यादव, शुभम यादव, गौरव कुमार, भाजपा नेता गुलाबी सिंह, बंटी यादव, समाज सेवी पप्पू यादव, अभिषेक उर्फ लालू, आलोक कुमार सहित अन्य उपस्थित थे। आत्मा स्थितम प्रणाम दर्शन। अस्पताल के प्रबंधक महोदय विपिन जी, गौतम जी एवं समस्त मान्यवर सभा के चरणों में मेरा प्रणाम। हम लोगों के ऊपर बनाए जाने आने के क्रम में पुल जाम के कारण या फिर पटना या दिल्ली गोली लोग जाते हैं, उसमें अनेकानेक लोग अपना शरीर छोड़ देते हैं समय के कारण। तो इसलिए ये अच्छा कार्य है। पूर्वी भागलपुर में जो सिटी स्टार हॉस्पिटल खुला था, उस उद्घाटन में भी हम थे। निश्चित रूप से इस अच्छे कार्य के लिए, समाजोपयोगी कार्य के लिए, समाज सेवा कार्य के लिए इस टीम से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, निश्चित रूप से सबको आशीर्वाद है। एक सुझाव भी हम दे रहे हैं इस टीम को, आप अस्थिर होकर के एक परामर्श समिति बना लीजिएगा, जिसमें हमारे नगर से जो लोग हैं वो रहेंगे, कुछ कुछ गांव के जो क्षेत्र के सम्मानित लोग हैं, परामर्श समिति के अंतर्गत उनका आप नाम नोट करें और समय समय पर माह में, दो माह में, तीन माह में कुछ कुछ विचार विमर्श करें। तो इससे आपको भी बल मिलेगा, अच्छे सुझाव आएंगे, हो सकता है उन सुझावों से ये और भी गतिशील कार्य हो जाए। इसकी और भी आसपास के क्षेत्रों में अन्य जगहों पर यथाशीघ्र शाखाएं विकसित होंगी और उससे जनमानस से संवाद बना रहेगा और उसका प्रभाव पड़ेगा। और कभी कभी मन हो जाए तो इसी प्रकार सामूहिक कोई कार्य करके सबका आवाहन करेंगे, है ना, ताकि लोग इससे जुड़े एक दूसरे से परस्पर निश्चित रूप से। और हम देख रहे हैं कि हमारे भट्टी जी भी इससे जुड़ने के लिए चल आए, सब लोग इस कार्य से। और अच्छा लगा कि भत्रा में यज्ञ कार्य होते हुए भी आज मैं वहाँ की पूर्णावति में नहीं था, एक काफी कहीं से करते हुए फिर इस कार्य को संपादित हुआ। वहाँ मैंने निर्देश किया कि वो पूर्णावति हो, समापन था, फिर भी लगा कि ये कार्य भी तो सेवा है और इसमें हम रहेंगे। हमारे सब लोग गए थे भद्रा में ही कार्य के लिए, सब लोग प्रयासशील थे मास दो मास से, लेकिन आज संयोग बना कि 2 तारीख को उद्घाटन हो रहा है। इसलिए 2 का बड़ा महत्व है, हम आप अकेले कहीं नहीं रह सकते, जी नहीं सकते, इसलिए 2 का ख्याल तो रखना ही होगा। उद्घाटन के बारे में, ये सिटी हॉस्पिटल जो है आप देख रहे हैं, ये भागलपुर में भी चल रहा है और अब नवगछिया शहरवासियों के लिए उपलब्ध है। और नवगछिया में इस तरह का हॉस्पिटल है ही नहीं, जो पहली बार हम लोग इस तरह का लेके आए हैं सुपर स्पेशलिस्ट, जिसमें एक छत के नीचे सारी सुविधाएं हैं,
जिसमें आपके सारे डायग्नोसिस सेंटर से लेकर आईसीयू तक की व्यवस्था की गई है। नवगछिया वासियों के लिए एक बहुत ही बुरे दौर से गुजरा हुआ यह शहर है, जिसमें कि किसी भी तरह का केस हो जाए, चाहे वो ट्रॉमा केस हो जाए, चाहे हार्ट अटैक हो जाए, या किसी भी तरह के डिजीज अगर इमरजेंसी में होती है तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है सिवाय एक अस्पताल के, जो कि जान रहे हैं कि वहाँ की व्यवस्था क्या है। लोग कमोबेश भागलपुर भागते हैं, सिलीगुड़ी भागते हैं, जो कि समय के अभाव में, जो समय पेशेंट उतना नहीं दे पाता, जिसकी प्राथमिक चिकित्सा नहीं हो पाती है, उसके लिए ये हॉस्पिटल यहाँ स्थापित किया गया है, ताकि उनको फर्स्ट एड दिया जा सके, उनको बचाया जा सके। टाइम की जो है, चाहे वो पुल जाम रहने के चलते या फिर नवगछिया जाने के क्रम में जो टाइम लगता है, वो टाइम की बचत को हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एड करके अगर बाहर भेजने की व्यवस्था होगी, अगर यहाँ से नहीं संभाला जाएगा तो यहाँ फर्स्ट एड इतना कर दिया जाएगा कि उनकी जान बच सके। हाँ, यहाँ पर अभी सारा व्यवस्था है, सारे इलाज है, आईसीयू है, एनआईसीयू है, डायलिसिस सेंटर है, बाकी का तो जो डायग्नोसिस करने की जो मशीनें हैं, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, पैथोलैब, डायलिसिस, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ इसमें एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें, कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी सुविधाएं यहाँ पर, और तुरंत फर्स्ट एड करके इनको अच्छा किया जा सकता है। बंटी शर्मा।